हेडिंग लिखो, थ्योरम फॉर वन टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। मतलब वन टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म यदि हो तो वहां पे ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पहला फर्स्ट थ्योरम लिखो, राइट डाउन फर्स्ट थ्योरम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू ई, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एक्स टू पावर एक्स। मतलब ऐसे फॉर्मेट में गिवन हो या ये गिवन हो, दोनों का वैल्यू ई आता है। ठीक है, अच्छा इन दोनों का लॉग ले लें, एलन ले लें, तो क्या आएगा बताओ। दोनों तरफ लॉग ले लें, एलन ले लें, तो एलन ई कितना होता है, वन। और ये क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन बाय वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, इनटू ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एल एन लेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स इनटू वन प्लस वन बाय इंटू एल एन ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स। हाँ बेसिकली आपको ये याद रखना है कि एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन होता है जब एक्स टेंडिंग टू जीरो हो। इतने समझ आई बात। अच्छा इसी का तीसरा फॉर्मेट है जो आप याद रख सकते हो, वो ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन ऑफ वन प्लस के एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के हो जाएगा, और ऑब्वियस सी के हम जीरो नहीं पुट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि के शुड नॉट टू बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या इतनी बात से ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए? हाँ या इसमें और थोड़ा बढ़ा दें इसको कुछ इस तरह से, फोर्थ वन कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन ऑफ वन प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो ये वन आ जाएगा, वेयर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो की तरफ जाएगा तो ये वन आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन नंबर वन, तीनों फॉर्मूले याद हो गए, लिखो जल्दी से। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस टू एक्स टू द होल पावर फाइव बाई एक्स कितना आएगा, कैसे करोगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस टू रेज़ टू फाइव बाय ई रेज़ टू 10 हाँ, ई रेस टू टेन आ जाएगा, ई रेस टू टेन आ जाएगा। कैसे? तो मेरा मेथड ये सम्स के लिए थोड़ा अलग रहता है सर, मुझे ये मेथड को वेरी यूज्ड टू हो गया। अच्छा, क्या किया बताओ, पहले थोड़ा आइडिया दो। सो बेसिकली जब M3 सर बाकलीवाल में पढ़ा रहे थे, सर ने एक ट्रिक बताया था, हाँ तो वो ट्रिक क्या कहता है, मतलब बेसिकली ई रेस टू लिमिट कर देते हैं हाँ और उसमें वो अलग करेंगे, वो अभी वो बेसिक है, वो फॉर्मूला है, बताएंगे वो। चलो मैं तुम्हें बेसिक सी चीज बता दूं कि लेट से दिस इज इक्वल टू कुछ के लिमिट है, और तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मैं एक काम करूं, दोनों तरफ एल एन ले लेता हूं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो
तो 5 बाई एक्स ln 1 प्लस 2x चलेगा इज इक्वल टू ln के। दोनों तरफ यदि x लिमिट टेंड टू 0 आएगा, दोनों तरफ ln ले लिया तो ln के तरफ लिमिट जाने लगेगी ये, और ये 5 है, 5 बाहर निकाल दो इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस 2x अपॉन x इक्वल टू हाँ ln के आ जाएगा ना। हाँ अच्छा ये लो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 2 आ जाएगी, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू एल एन के, जिससे हम हाँ तो के इज इक्वल टू क्या ई टू द पावर 10 आ जाएगा, हाँ हाँ ई टू पावर 10 आ जाएगा। समझ आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अप क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने अभी तक लॉग लॉग के लिमिट्स कर दिए, ठीक अभी नहीं किया, अभी जस्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 3 टू द पावर एक्स माइनस 1, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। प्लस एक्स अपॉन सेम मेथड यूज करूं। हाँ जैसे भी करो। सो 1 बाय ln 3, एक मिनट। सो a^(x-1)x क्या रहता है? ln ही रहता है। हाँ लास्ट टाइम सीखा था हम लोगों ने एल एन ए लास्ट सो हाँ क्लास, सो आ गया। सो ln 3 1 बाय ln 3 ना। 1 बाय ln 3 हाँ लिमिट एक्स हाँ टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इनटू एक्स अपॉन 3 टू पावर x माइनस 1, ठीक है। तो ये वाली लिमिट कितनी है, ये तो 1 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 1 बाई ln 3 आ जाएगा, ln 3 आ जाएगा, सो आंसर इसका हो गया 1 बाई ln 3, यही आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस k/x टू द होल पावर एम एक्स, इसका वैल्यू बताओ। तो क्या आया e टू द, पार एम के हाँ हाँ ठीक है, e टू पावर m क्या आ जाएगा, मुझे लग रहा है तुम फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ। नहीं लगाना है बच्चा, पहले आप तो ठीक है इसको मैं ln से अप्लाई करके देखो, है ना। फॉर्मूला तो ये कर रहा हूँ। के बाद ये बहुत आसान हो जाता है ये।
मैं फिर करता हूँ एन हाँ, एन के बाद। आप विदाउट फॉर्मूले के आप प्रयोग करो इसका। एक मिनट। तो फाइनली मुझे आया एम एक्स इक्वल टू एल एन के, तो के इक्वल टू ई रेस टू अभी अभी एक। थोड़ा दिमाग लगा थोड़ा। हाँ सर, एक मिनट। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या ही, एक मिनट, एक्सटेंड्स टू जीरो था ना, इन्फिनिटी नहीं था ना, इन्फिनिटी है क्या? ओके okay. अच्छा इनफिनाइट है ना, जीरो नहीं है, इनफिनाइट मैंने लिखा है, एक्सटेंडिंग टू इनफिनाइट। तो आपने फॉर्मूला जो दिया था उसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एल इन वन प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू वन था, तो इसका आंसर के आना चाहिए ना? नहीं ये वाला भी तो दिया था ना, ये सेम सिचुएशन है, इधर भी अप्लाई हो जाएगी ना, यदि इनफिनाइट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा सिचुएशन। ये यदि हम इसको और अपडेट करें इनफाइनाइट के लिए करें तो ये क्या बन जाएगा बता, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एल एन वन प्लस के बाई एक्स, हाँ और अपॉन वन बाई एक्स आएगा तो ये एक्स हो जाएगा ना, सर, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। एरिया। तो क्या करें इसको एल ले लें, लेट से दिस लिमिट बी इक्वल टू एल, और ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है तो एल एन अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी और एम एक्स एल एन वन प्लस के बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन एल आ जाएगा ना, दोनों तरफ एल एन ले लिया। अच्छा ये वाली लिमिट कितनी हो जाएगी, के चेक करो, m into k is equal to ln l, इसका मतलब है l का वैल्यू कितना हो जाएगा, e to power m, e to the power m k, सही, हाँ सर, मिल गया। यही आना चाहिए था, यही आना चाहिए था, इस तरह हाँ से सर, करते हैं। अच्छा अब मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, राइट डाउन जनरलाइज फॉर्मूला या थ्योरम आप बोल सकते हो, थ्योरम क्या है लिखो, लेट या कंसीडर, कंसीडर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दोनों ही पॉसिबल हैं, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, कैन यू प्रूव दिस, प्रूव कर पाओगे इसको। प्रूव हाँ जैसे तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ वो पता नहीं चल रहा है, अगर प्रूव करना चाहिए। प्रूव करते हैं क्या आएगा, लेट से कि एफ एक्स ये जो क्वांटिटी है ये वन की तरफ जा रहा है और जी एक्स जो है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखना मतलब ये एक काम कर देते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स चलेगा,
लेट्स से इसकी वैल्यू एल है, लिमिट एल एज्यूम कर लेते हैं. अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? याद करो, e टू द पावर एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है. यदि हम कहें कि e टू द पावर एल एन ऑफ ऑफ ये पूरा कर दें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, चलेगा? तो भी एल ही रहेगा ये. हाँ, देखो ध्यान से. हाँ, e to the power ln, मतलब ये जो भी नंबर है उससे क्या मतलब, e to power ln x is equal to x होता है. अब ये लिमिट इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e to the power limit x tending to a ln of fx to the power gx ना, क्या इंटू जी एक्स आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि पावर है तो बाहर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो e to the power limit x tending to a, ये क्या हो जाएगा, ln of, क्या इसको ऐसे लग सकते हैं, वन प्लस एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स लिख सकते हैं. चेक करो. तो यदि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है तो ध्यान से देखो, ये किसकी तरफ जाएगा जल्दी बता. एफ एक्स माइनस वन जीरो की तरफ जाएगा ना, एफ एक्स का लिमिट वन है. ओके, ये जीरो की तरफ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम इसको एफ एक्स माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये वैल्यू वैल्यू कितनी आ जाए, वन की तरफ चली जाए. तो हो that is equal to e to the power limit x tending to a, और ये वन की तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स हो जाएगा. तो यही तो फॉर्मूला है, और क्या है, e to power एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स. और ये बाय द वे ये फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इनडिटर्मिनेट सिचुएशन नहीं, मतलब ऐसा नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. क्योंकि तभी इस स्टेप पे डायरेक्ट हमें लिमिट आ जानी चाहिए, वरना फिर क्या होगा कि आधी लिमिट इधर और आधी लिमिट इधर, तो गलत हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा. तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि एक साथ इसकी वैल्यू यदि हम वन पुट कर रहे हैं तो उसी पे इसकी लिमिट भी आनी चाहिए, ताकि हम ये लिमिट एक साथ पुट अप कर दें. तो क्या ये क्लियर हुआ? जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स टू द होल पावर थ्री बाई एक्स, चलेगा? देखो बताओ, इसका फॉर्म बताओ क्या है, वन रेज़ टू इनफिनिटी, वन की पावर इनफिनिटी फॉर्म है. ठीक है, अच्छा वन की पावर इनफिनिटी फॉर्म है, और ये इसकी लिमिट देखो किसकी तरफ जा रही है, वन की तरफ जा रही है ना, दिस इज टेंडिंग टू वन और ये टेंडिंग टू इनफिनिटी हो रहा है. तो एफ एक्स का काम ये करेगा, तो क्या लिखेंगे बताओ, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखो ये जो लिमिट थी ये एज इट इज रहेगी, जीरो है तो जीरो, वन होगा तो वन, मतलब ये पे चेंज कुछ नहीं आएगा. फिर क्या होगा, एफ एक्स माइनस वन, मतलब इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर दें, वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स माइनस वन, और फिर इंटू क्या कर दे, इसको जो जी एक्स है, जी एक्स ये पूरा है, इंटू थ्री बाई एक्स. क्या इतनी बात समझ आई? बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा न्यूमरेटर में, सो माइनस एक्स बाय वन प्लस टू एक्स, माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स, और इंटू थ्री बाई एक्स आ गया ना,
कितना आ जाएगा बताओ वैल्यू, ये कट हो गया, e टू द पावर 3 जीरो माइनस 3 ना, हाँ माइनस 3 माइनस तो एक मिनट तो कर ये आंसर आ जाएगा, चेक करो। हाँ सर सेम सर एक मिनट तो कर लो हाँ हाँ कर लीजिए। माइनस 3/1 स्कूल ई रेस टू ई हाँ अब तो चाहे बेसिकली ई रेस टू माइनस बिल्कुल बिल्कुल, अब इस बिहा पे यदि अब इनको सॉल्व करोगे तो ये तो बहुत ही आसान लगेंगे। क्या हो जाएगा देखो, ये डायरेक्ट यदि हम देखें अनदर मेथड तो क्या होगा बताओ, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो e हाँ पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एफ एक्स माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा के बाई एक्स इंटू एम एक्स हो गया, ये क्या होगा e टू पावर के एम। हाँ सर अच्छा इसमें तो नहीं लगेगा लेकिन इसमें फिर लग जाएगा, देखो ये चेक करो क्या इसमें भी अप्लाई हो सकता है क्या। एक पहले देखना पड़ेगा सर हो सकता है ना हाँ 1 to the power इन्फिनिटी का फॉर्म तो क्या आएगा बताओ, e टू द पावर लिमिट ई टू एक्सटेंडिंग टू 0 जीरो ये एफ टू एक्स एक्स हाँ टू टू एक्स एक्स इंटू फाइव 5/x तो ये कितना आ जाएगा। सीरीज़ तो मतलब जो इस तरह से ln लेके कर रहे थे अब ये डायरेक्ट हो जाएगा e टू पावर 10, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसमें। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। राइट डाउन हाँ सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द होल पावर एक्स प्लस 1। सो x-3/x+2 1 को थोड़ी टेंड करेगा हाँ, तो मैं ये वो लॉग लेके करूँ क्या वो इजी रहेगा तो क्यों आप फॉर्मूला अप्लाई करना कब सीखोगे फिर। वन को टेन टू द पावर इन्फिनिटी थोड़ी आएगा अरे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है भाई, देखो ये ध्यान से x को डिवाइड करोगे तो ये 1 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये इसकी लिमिट 1 की तरफ जाएगी और ये इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है तो 1 की पावर फॉर्म है ना। अरे देखो ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, क्या ये 1 हाँ नहीं है। सर आ गया मतलब मैंने एक्स से डिवाइड किया मतलब हाँ करना ही पड़ेगा, वो माइंड में प्रोसेस होना चाहिए कि ये 1 से डिवाइड करना, क्योंकि इनफिनाइट है ना लिमिट टेंडिंग टू लिमिट की ओके समझा तरफ जाएगा तो ये 1 की पावर इनफिनाइट फॉर्म है, 1 हाँ गॉट की पावर इनफिनिटी फॉर्म है। हाँ तो अभी वो फॉर्मूला से करना है, एलएल से नहीं करना है, हमें सीखना है ना वो अप्लाई करना सीखना है वो फॉर्मूला। हाँ सर सो ई रेज टू -5 हाँ करेक्ट सर e रेस टू कितना है -5। -5 हाँ ठीक है,
इसका आंसर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस फाइव हो गया। मैं करूं इसको, देखो क्या करेंगे, हो गया हो गया, क्या करेंगे, बस दो मिनट लगेगा। e to the power limit extending to infinity, ये f x है तो x minus 3 upon x plus 2 minus 1 और into that multiply हो जाएगा, x plus 1 multiply होगा, तो ये क्या हो जाएगा, e to the power limit extending to infinity, है ना। अच्छा ये इसमें से ये subtract करें तो कितना आ जाएगा, minus 5 ना, हाँ सर, माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस फाइव, और ये एक्स से डिवाइड करेंगे तो वन प्लस वन बाई एक्स, और ये वन प्लस टू बाई एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ई टू पावर माइनस फाइव आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो राइट नाउ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स टू द होल पावर cosec x, आंसर करो जल्दी से फटाफट। समझ आ रहा है, एक मिनट आ गया,
तो एक मिनट अब बस आ जाए। So, इसका आंसर वन है क्या? नहीं, हाँ वन, हाँ वन ही आएगा, वन आंसर। मतलब बेसिकली ई रेस टू जीरो, ई रेस टू पावर जीरो, हाँ वन आएगा। हाँ करेक्ट, टेंडिंग टू जीरो है तो ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा, समझ आया? तो ये क्या होगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स माइनस वन और इंटू कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो मिलेगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये कितना हो जाएगा 10x माइनस दिस, तो 10x माइनस साइन x अपॉन वन प्लस साइन x ना, और इनटू कॉसेक x, क्या वन अपॉन साइन x हो जाएगा? साइन एक्स कट होने के बाद ये क्या मिलेगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स वन प्लस एक्स, है ना? यही मिलेगा ना? हाँ देखो एक्सटेंडिंग टू जीरो में ये वन हो गया, ये वन हो गया, लेकिन ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो, तो ये ई टू द पावर जीरो हो गया एंड दैट इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स टू द होल पावर वन बाई एक्स, तो बताओ कितना आ रहा है? एक मिनट का क्वेश्चन। सो ई कितना आ रहा है? नहीं नहीं एक मिनट, हाँ ई नहीं नहीं गलत गलत है क्या? अरे नहीं सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा, तो मैंने ऐसे लिखा tan pi by 4 plus x, अलग लिखा। देखो एक बार फिर से देखो ध्यान से। तो एक मिनट, एक मिनट। सुना यार सनी, सो एक मिनट। अच्छा सर, एक फॉर्मूला रहता है ना पाई बाई फोर प्लस एक्स के लिए, हाँ एक मिनट। हाँ
मैं चलो पहला स्टेप तो लिख ही देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ये वन प्लस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, वन बाई एक्स ना, है ना, इसकी पावर वन बाई एक्स हो जाएगी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, e to the power limit, एक मिनट, वन प्लस टेन एक्स आंसर माइनस टेन एक्स, ई स्क्वायर है, हाँ ई स्क्वायर आएगा इनटू वन बाय एक्स, बिल्कुल सही, ई स्क्वायर आएगा आंसर। अच्छा अब इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, तो ये मिलेगा e to the power limit x tending to zero, इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x into 1 by x, सही है? हाँ, और ये आ जाएगा e to the power limit x tending to zero 2 times tan x upon x into 1 upon 1 minus 10x, चलेगा? ठीक करो, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये e to the power 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if limit x tending to 0, limit x tending to 0, 1 plus ax plus bx square to the whole power 2 by x is equal to eq, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. Likho jaldi se, answer kar. So, x में क्वाड्रेटिक आ रहा है। हाँ हाँ वैल्यू बताओ, फाइनल आंसर आप बताइए, ए और बी में क्या होगा? एक मिनट, सर ए इक्वल टू 3 आ रहा है क्या? ए इक्वल टू 3, नहीं गलत हो गया,
उसका नहीं, ए इक्वल टू 3/2 ए इक्वल टू 3/2। हाँ ये सही है। बी के बारे में बताओ। ये देखो मैं चलो बता देता हूँ, ये किसकी तरफ जाएगा, ये जीरो की तरफ जा रहा है ना, ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 2/x आ जाएगा ना, और दैट इज ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, x से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स इंटू 2 आ जाएगा। समझ आया क्या, है ना? तो ये जो लिमिट आएगा यदि आप देखो e टू पावर 2a आ जाएगा, लिमिट या e टू पावर 2a आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि e की पावर ये 3 के इक्वल है, तो e टू पावर 2a इज इक्वल टू e की पावर 3, मतलब 2a इज इक्वल टू 3, तो a इज 3/2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो कि b तो गायब हो रहा है ना इसमें, तो b कैन बी एनी फाइनाइट रियल नंबर, तो b बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। तो a तो 3/2 हो जाएगा और b बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है। ये b जो भी है, ये r का मतलब ये नहीं कि कोई भी वैल्यू जाए, ये b मतलब ये b जो है वो फाइनाइट आएगा, फाइनाइट रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर आएगा ये। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, cos टू पावर n x अपॉन अंडर रूट n इज इक्वल टू, ये n लिखा हुआ है, सब n है ना, ये x है, बताओ कितना वैल्यू आएगा इसका। फॉर्मूला यूज करके तो ऐसे आ रहे e रेज टू कॉस x बाय रूट n माइनस 1 इनटू n, e रेज टू पावर x बाय रूट n माइनस 1 इनटू n, नहीं नहीं x के टर्म्स में आएगा, देखो इसमें वेरिएबल n है, x नहीं, लेकिन तुम्हें क्या ये समझ आ रहा है क्या कि 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म है ये? हाँ वो समझा, 1 to the power infinity क्योंकि x by infinity is 0 and then n tends to infinity, तो cos of 0 is 1. Under root n जो है ये किसकी तरफ tend करेगा, 1 की तरफ tend करेगा, और n किसकी तरफ है, infinite, तो 1 की power infinity form है, तो क्या लिखेंगे इसको, e to the power क्या हो जाएगा, limit n tends to infinity fx मतलब cos of x upon under root n माइनस वन इंटू एन आ जाएगा ना, सो यही आया, इसके बाद नहीं आया, नहीं इसके बाद e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी। अच्छा, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सो वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना पड़े, नहीं
क्या इधर n वेरिएबल है ना, डिवाइड बाय n स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं 2 sin थीटा बाय 2। इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन रूट n, अपॉन रूट n है ना, और अपॉन 1 अपॉन n लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos kx kx अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना होता है बताना, सो यू हैव k स्क्वायर बाय 2। हां ओके, k तो k स्क्वायर, चेक करो चेक करो, देखो यहां पे n टेंडिंग टू इनफिनिटी तो 1 बाय n 0, मतलब ये 1 बाय n x का काम कर रहा होगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट n x का मतलब ये जो काम कर रहा है इसका, और k कौन सा काम कर रहा है, x x हां सर वो सर। तो ये कितना आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट, मतलब डायरेक्ट वैल्यू लिख दें क्या आप, e टू पावर माइनस, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यही लिमिट है, यही आंसर। यदि आप ऐसे नहीं करना है, ये लिमिट ये कंसेप्ट नहीं लगाना है, तो एक काम कर सकते हो कि आप क्या करोगे, e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये जो यहाँ पे है माइनस n कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस cos x अपॉन अंडररूट n ऐसे लिख सकते हैं, और e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस n, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अंडररूट n आ जाएगा, ठीक है। और यहां से देखो यदि ऐसा किया आपने तो ये आ जाएगा e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 अपॉन रूट n है ना, और अपॉन 1 अपॉन n को क्या 1 अपॉन अंडर रूट n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 इंटू, देखो x बाई 2 का x बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, चेक करो साइन kx अपॉन x स्क्वायर, साइन kx अपॉन x स्क्वायर, हाँ ओके समझा नहीं समझा, तो ये आ जाएगा मतलब e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास, चाहे आप इस तरह से प्रोसीड करिए या फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा ये अजीब सा लगता है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, एकदम से दिखता नहीं है चीज तो, लेकिन आपको विजुलाइज करना तो आना चाहिए, समझा क्या ये क्वेश्चन, आप एक बार फिर से इसको घर पे देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी a माइनस 1 प्लस nth रूट ऑफ b अपॉन a टू द होल पावर n इक्वल्स, आपको बताना इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें गिवन है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 है, and n belongs to natural number, answer kar
समझ आ रहा है क्या? 1 to the power इन्फिनिटी फॉर्म समझ रहा है क्या? अच्छा वो समझा तो, क्योंकि वो रूट ऑफ बी मतलब nth रूट ऑफ बी तो जीरो को टेंड करता है। एक मिनट हाँ नहीं आ रहा है, चलो मैं बता देता हूँ तो मुझे ऐसे आ रहा है बेसिकली क्या आ रहा है। e raise to nth root of b minus 1 अच्छा upon a to n। नहीं, आंसर बता देता हूँ तुम्हें। तो आंसर क्या होगा, जो आंसर है इसका वो है b to the power 1/a। चलो करते हैं इसको, है ना। ये e to the power क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो ये माइनस वन करेंगे तो बी माइनस टू पावर वन अपॉन एन, देखो बी टू पावर वन अपॉन एन और माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एन इंटू एन आ जाएगा ना, चेक करो। अरे ए से डिवाइड करेंगे तो वन प्लस ये पूरा ही आ जाएगा ना, तो ये सिचुएशन होगी। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी टू द पावर वन अपॉन एन माइनस वन और ये वन अपॉन एन इंटू वन बाई ए आएगा क्या, चेक करो। तो मुझे वो फर्स्ट स्टेप पहले जब मैं सॉल्व कर रहा था नहीं क्लिक हुआ, ये हुआ क्लिक क्या, अभी हुआ अभी हुआ। मैंने एक वन गायब कर दिया, fx माइनस वन डायरेक्ट लगा दिया। हाँ सर, आपके माइंड में भी इतना प्रोसेसिंग होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि मैं आप कर लीजिए माइनस वन करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है। मैं ए प्लस टू सोच रहा था। हाँ अब ये देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है वन बाई ए। अच्छा ऐसा कुछ देखा है क्या, देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो b की पावर 1 अपॉन n जीरो की तरफ जाएगा, माइनस वन और अपॉन जीरो, तो ये कौन सा लिमिट है बताओ, ये इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो क्या? तो ये एक्सपोनेंशियल लिमिट, e रेस टू x1। हाँ ओके, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a टू पावर x माइनस वन अपॉन x, क्या ये ln a आता है, तो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे n दिया है इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया। So, वो into one by a का उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या, लिमिट कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो ये कितना आ जाएगा, ये e to the power क्या ln b into one by a आएगा, और ये क्या आ जाएगा, e to the power ln b की पावर 1 by a आएगा कि नहीं आएगा,
और यही क्या हो जाएगा, देखो e की पावर, ये b टू द पावर 1/a आंसर आ जाएगा। समझा। ऐसे समझे क्या? अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बताओ, कि e टू द पावर ln x कितना होता है x के एक बार। तो यहाँ पे ये सेम, बाय द वे फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला जो मेन है इसका वो ये है, ए टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स होता है, ये लॉग वाला फॉर्मूला है। तो ये चीज अप्लाई करती है यहाँ पे, तो ऐसा आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन हाँ सर, समझा क्या? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 to the power 1/x प्लस 2 to the power 1/x प्लस 3 to the power 1/x प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 अप टू n to the power 1/x अपॉन n, और इसकी कुल पावर लिख लीजिए एन एक्स, कॉमा लिखो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बताओ तो कितना आएगा ये? समझ रहा है क्या ये? तो 1/∞ फॉर्म है तो फॉर्मूला तो यूज कर सकता हूँ, बट वन की पावर इंफिनिटी इसके फॉर्म, लिए ये समझ आ रहा है? वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म, सर n/n रेस टू इन्फिनिटी, तो 1/1 रेस टू इन्फिनिटी। सो बट फॉर्मूला जब यूज करूंगा, -1 जब करूंगा तो 1 रेस टू x काटूंगा या फिर कुछ नहीं काटूंगा? देखो देखो देखो, करो करो। -n करना पड़ रहा है। सो 1 मिनट कर रहा हूँ। सो 1 आ रहा है क्या? e रेस टू 0 आ रहा है? नहीं, वन तो नहीं। नहीं, एक मिनट। चलो सो जब मल्टीप्लाई बाय n x कर रहा हूं तभी n और n कट रहा है बट x वापस बच रहा है। चलो बताता हूँ, ये तो समझ आ गया कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, हाँ इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये e टू द पावर लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स ये है, तो इसमें से वन सबट्रैक्ट करें, वन सबट्रैक्ट करें, कितना आएगा? यदि वन सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये -n/n आ जाएगा ना, हाँ मतलब वन सबट्रैक्ट करें तो -n/n करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि इस सब में हम ऐसा करने वाले हैं, 1 की पावर 1/x -1 अपॉन एन,
प्लस 2 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एन प्लस 3 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एन, और ऐसे चलते चलते कितना आएगा एन की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एन, और इनटू क्या आ जाएगा एन एक्स, एन एक्स आ जाएगा। ये हटा देता हूँ तो तू एन को कैंसिल कर सकते हैं ना एन, अच्छा नहीं 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 कुछ बात समझ आई क्या ये तुम्हें, ये बताओ पहले एक स्टेप खा गया हूँ मैं, एक स्टेप आपने बेसिकली माइनस एन को एन टाइम्स माइनस वन में कन्वर्ट कर, हाँ एन टाइम माइनस वन माइनस वन माइनस वन ऐसे एन माइनस वन हो जाएंगे, क्या इतना क्लियर है? ठीक है अच्छा अब देखो ये एन कट होके एक्स मिलेगा, तो इसको लिखेंगे ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी वन की पावर वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन वन बाई एक्स प्लस टू की पावर वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन वन बाई एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन वन बाई एक्स प्लस ऐसे ही चलता रहेगा एन की पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वन बाई एक्स, क्या ये सही है? कट होने के बाद और ये क्या हो जाएगा बता, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ये एल एन वन हो जाएगा, ये लिमिट ई टू द पावर एल एन वन प्लस ये कितना हो जाएगा एल एन टू प्लस एल एन थ्री प्लस कहां तक एल एन एन आ जाएगा ई टू द पावर क्या हो जाएगा एल एन, ये वन इंटू टू इंटू थ्री वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू अप टू एन आ जाएगा है ना, और e to the power ln of that क्या ये आ जाएगा n factorial 2 into 3 into up to n आ जाएगा ना, और ये n factorial आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है n factorial। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। If limit x tending to 0, 1 plus x ln 1 plus v square whole power 1 by x is equal to 2b sin square theta, comma likho b greater than 0. B greater than 0 and theta belongs to minus pi to pi, then the value of theta is, then the value of theta is na a option likho plus minus pi by 4, बी ऑप्शन लिखो प्लस माइनस पाई बाई थ्री, सी ऑप्शन लिखो प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, एंड डी ऑप्शन लिखो प्लस माइनस पाई बाई टू। आंसर करो, आंसर करो।
बस समझ आ रहा है। हाँ सर, एक मिनट। सो आंसर बी के टर्म्स में नहीं आएगा क्या? नहीं, ए बी सी डी में ही कोई आएगा ना। सो मेरा इतना आ रहा है, 1 + b² = 2b sin² थीटा। हाँ, उसके आगे ही तो सोचना है थोड़ा, उसके आगे b greater than 0, थीटा बिलोंग्स टू -π, 5। तो -π, 5 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin² थीटा तो 1 ही रहेगा, और मिनिमम वैल्यू 0। तो 1 + b² 2b और 1 + b² एक। ऐसा b² - 2b sin² थीटा +1 = 0 क्वाड्रेटिक। हाँ, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं। थोड़ा और दिमाग लगाओ कि वो क्वाड्रेटिक जो बनी है उसमें क्या अप्लाई करना चाहिए। क्या अप्लाई करना चाहिए? हाँ सर 1 मिनट, मैं बस वो फैन ऑन करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक के बाद में आ रहा है। नहीं यार, चलो मैं बता देता हूँ क्या करना है। इसका लिमिट निकालते हैं। ये 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म में ई टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, क्या ln ऑफ 1 + b² एक्स है और इनटू 1/x, यही आएगा ना। ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 + b² हो जाएगी। लेफ्ट, ये लिमिट 1 + b² होगी। तो एज पर द इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगा, 1 + b² = 2b sin² थीटा आएगा ना। और मैं 2b से डिवाइड कर देता हूं तो ये कितना मिलेगा, v + 1/b/2 = sin² थीटा है। अब ये क्या बोल रहा है,
बी पॉजिटिव नंबर है तो बी प्लस वन अपॉन बी अपॉन टू क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा? क्या लगा दिया ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। और ये तो तुम्हें याद रहनी चाहिए कि ये क्वांटिटी जो है b प्लस वन अपॉन b यदि b पॉजिटिव है तो हमेशा टू या उससे बड़ी रहेगी। अब ये कह रहा है कि यहाँ थोड़ा लॉजिक लगेगा, ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू टू और मोर देन टू, सॉरी ये वन आ रहा है ना, इसकी वैल्यू वन और मोर देन वन आएगी। कभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मोर देन वन आएगी क्या? नहीं नहीं आएगी। इसका क्या मतलब? एक डाउट, साइन स्क्वायर थीटा को कितना होना पड़ेगा? वन ओनली। यही पॉसिबिलिटी है, एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम हो गई फिर। तो बताओ क्या हो सकता है इसमें? सो एक डाउट है। हाँ बोलो। बी ग्रेटर देन जीरो बोला है। हाँ तो बी ऐसे बहुत छोटा डेसिमल भी हो सकता है ना? हाँ कितना भी होने दो, कितना भी हो। तो अगर बहुत छोटा डेसिमल है ऐसा भी होने दो तो वन अपॉन बी बड़ा नंबर हो जाएगा ना, बहुत बड़ा नंबर हो। तो इट विल नेवर बी लेसर देन वन। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूँ सर, आप वापस समझा सकते हो? वन क्यूब। हाँ बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखो। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है फॉर ऑल x belongs to R plus, और x plus 1 upon x ये less than or equal to minus 2 होता है for all x belongs to R minus। याद है ये negative real number के लिए ये quantity। अब बताओ यहाँ पे ये 2 क्यों बोल रहे हो? कौन सी बात कर रहे थे यहाँ पे? ये वाला situation। हाँ तो a देखो b और plus 1 upon b by 2 किया तो ये am हो गया ना। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा? ज्योमेट्रिक मीन का अंडर रूट वन, अंडर रूट बी वन बाय बी। हाँ तो वो वन हो जाएगा ना, तो वन आ गया। तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे हमने जो इसके इक्वल किया था ये दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बोला? ये वन या उससे बड़ी है ना, दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो वन और मोर देन वन है ये क्वांटिटी, और ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मोर देन वन तो हो ही नहीं सकती है, वन हो सकती है। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस पाई बाय 2। प्लस माइनस पाई बाय 2। सो आंसर इज डी पार्ट। क्या इतनी बात समझ आई? हां का ओके okay।